नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि हमें अपने सब्जियों वाले पौधों में या किसी भी पौधे में कंपोस्टिंग करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। बहुत ही सरल और सबसे सही तरीका जो है, चूँकि हम काफ़ी सारे वीडियोज़ देखते हैं या फिर हम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें गीली मिट्टी में कंपोस्टिंग करनी है या ड्राई मिट्टी में करनी है, सुबह करनी है, दोपहर करनी है, शाम करनी है, बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। और कंपोस्टिंग करने का सही तरीका कई चैनल पर आपको कई तरह की वीडियो मिलेंगी, तो मैं आपको कंपोस्टिंग कैसे करना है ये बताने के साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि जो कंपोस्टिंग का मकसद होता है हमारा ना, कि पौधे उसको कंपोस्टिंग को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि कंपोस्टिंग करनी कैसे है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपोस्टिंग कोई भी हो, आप काउडंग कंपोस्ट यूज कर रहे हैं या फिर ये किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट यूज कर रहे हैं या फिर आप बोन मील, कोई भी कंपोस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो उसको जो देने का तरीका होगा वो एक ही तरीका होता है। आप उस तरीके से अगर देंगे कंपोस्ट तो पौधा उसको बहुत ही आसानी से ग्रहण करेगा और उसका जो भी लाभ है वो आपके पौधे को जल्दी से जल्दी मिलेगा। उससे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ आएगी, अच्छी फ्रूटिंग और फ्लॉरिंग आएगी। तो कंपोस्टिंग कैसे करनी है, मैं फिलहाल अभी अपने इस टमाटर के पौधे को काउडंग कंपोस्ट देने जा रहा हूँ, तो मैं आपको पूरी प्रक्रिया दिखाता हूँ कि क्या करना है और क्या मकसद होता है इसको देने का। तो दोस्तों देखिए, हम ये देने जा रहे हैं काउडंग कंपोस्ट। इस कंपोस्ट में हम जब भी काउडंग कंपोस्ट या देते हैं कुछ भी, तो हम इसमें नीम खली थोड़ी मात्रा में मिला लेते हैं। नीम खली को मिलाने का एक बेनिफिट जो होता है, इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में ये एंटी फंगस का भी काम करता है। तो इसको मिला लेने के बाद आप में अगर कंपोस्ट में या किसी भी चीज़ में मिट्टी में थोड़ी बहुत फंगस होगी या लगने का डर होगा, तो वो ना के बराबर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल होता है, इसलिए हम इसे यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कैसी मिट्टी होनी चाहिए जब भी हम कंपोस्टिंग करें। तो देखिए दो तरह से हम कंपोस्टिंग करते हैं, एक ड्राई कंपोस्ट, एक लिक्विड कंपोस्ट। ड्राई कंपोस्ट के लिए जो मिट्टी आपको मेरे गमले की दिख रही है, ये बहुत ही बेस्ट है, ये ड्राई मिट्टी है। तो ड्राई कंपोस्टिंग जब भी आपको करनी हो तो आप मिट्टी को थोड़ा ड्राई हो जाने दें। अगर मिट्टी आपकी ड्राई नहीं होती है तो जो आप कंपोस्ट देंगे वो सही से आप मिट्टी में मिला नहीं पाएंगे और नम मिट्टी में कंपोस्ट सही से काम नहीं करेगा। मैं उसके पीछे भी जो रीजन है वो भी वीडियो में आगे बताऊंगा कि नम मिट्टी में क्यों नहीं देना चाहिए। तो इस ड्राई मिट्टी को हमने अच्छे से ढीली कर लेनी है। ढीली करनी है क्योंकि जो भी हम कंपोस्ट देंगे वो इसमें मिक्स करना है। अब दोस्तों कई जगह आपने देखा होगा या मेरी भी पुरानी वीडियोज में आपने देखा होगा कि हम इसमें मिट्टी की ऊपर से दो इंच की लेयर निकाल लेंगे और उसमें कंपोस्टिंग करते हैं। और अभी जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप कभी भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। देखिए कंपोस्टिंग जो हम देते हैं उसका मकसद ये होता है कि जो हम कंपोस्ट दे रहे हैं वो आपके पौधों की रूट्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये इसके जो रूट्स हैं, एरियल रूट्स, ये बाहर की तरफ निकल के आए हैं। आपने जैसे ही मिट्टी की गुड़ाई की, तो पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी गमले में रूट्स उसकी चारों तरफ फैल चुकी होती हैं। तो अगर आप दो इंच की लेयर की मिट्टी निकाल के अगर यहाँ पे कंपोस्ट भी देंगे तो भी वो वही काम करेगा जो आप इस तरह से मिट्टी को यहाँ डालने के बाद इसमें दो मुट्ठी या जितनी भी कंपोस्ट आपको देनी है, इस प्रकार से देखिए कंपोस्ट इसमें डालिए जितनी जरूरत है पौधे की गमले के हिसाब से, इस प्रकार से, और इसको इसमें इस प्रकार से मिक्स कर दीजिए। अब इसके जो फायदे हैं मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है दोस्तों कि जब इस प्रकार से हम ऊपर की सतह की मिट्टी को गुड़ाई करके और इसमें कंपोस्ट को मिक्स कर देते हैं, तो जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी में थोड़ी हार्डनेस आती है पानी देते देते, तो वो हार्डनेस खत्म होकर मिट्टी ऊपर की बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो पानी ऊपर बिल्कुल भी सतह पर इकट्ठा नहीं होता है। तो इस कंपोस्टिंग से पहला फायदा तो ये हो जाता है कि मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, हार्ड नहीं रह जाती। दूसरा फायदा ये होता है कि जो भी हम यहाँ पे हमने कंपोस्टिंग करी हुई है, अब जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये जो एरियल रूट्स हैं इसके चारों तरफ गमलों में फैल चुके हैं, तो वाटरिंग करने पे जो कंपोस्ट हमने दी उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे लिक्विड में, वो आपके पौधों को बहुत ही ईजिली चारों तरफ मिलते रहेंगे क्योंकि एरियल रूट आपके पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका है और चारों तरफ फैल चुका है। अगर आप मिट्टी को दो इंच की लेयर निकालने के बाद वहां कंपोस्ट डालते हैं और फिर पानी देते हैं, तो भी वही काम होगा कि जब पानी आपके उस कंपोस्ट के पास पहुंचेगा, कंपोस्ट से फिर जो लिक्विड है पानी के साथ रिस्क है निकल के नीचे जाएगा और रूट्स को मिलेगा। दोनों का
वर्क एक ही है, बस बताने का तरीका अलग है। अब ड्राई मिट्टी इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि अब ड्राई मिट्टी में हम वाटरिंग अच्छे से कर सकते हैं, और जो हमारा ड्राई कंपोस्ट है वो ड्राई मिट्टी में ही देना है, क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसके साथ वो जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ लिक्विड के साथ निकल के जाएंगे और रूट्स को इजिली मिलेंगे। तो गीली मिट्टी में कभी आप ड्राई कंपोस्ट ना दें। और दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम होती है कि पानी कितना देना है कंपोस्टिंग करने के बाद। तो पानी देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि पानी तब तक दीजिए जब तक ड्रेनेज होल से पानी निकलने ना लग जाए। तो मैं आपको बता दूं कि कंपोस्टिंग करने के बाद जब भी आप ड्राई कंपोस्ट पौधे में डालते हैं गमले में, तो आपको वाटरिंग इतनी देनी है कि जो आपके गमले की आधी मिट्टी है, आधी से ज़्यादा, वो पानी वहाँ तक इजिली तत्काल पहुँच जाए, और उसके बाद फिर वो पानी रिसता हुआ नीचे की तरफ जाता है। और गमले की नीचे की मिट्टी अक्सर 95% चांसेस होते हैं कि वो गीली ही रहती हैं, वो बहुत कम मात्रा में सूखती हैं। तो नीचे तो मिट्टी ऑलरेडी गीली है, ऊपर आपको इतने मात्रा में पानी देना है कि जो नीचे की मिट्टी, आधे से ज़्यादा गमले की मिट्टी है, वो गीली हो जाए, और जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने कंपोस्ट दिए हैं उसके जो रूट्स हैं उनके चारों तरफ वो लिक्विड, जो पानी हम दे रहे हैं, वो आसानी से पहुंच जाए, ताकि जो भी हमने कंपोस्ट दिया है वो सभी पूरे मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और पौधे की रूट्स को प्रॉपर तरीके से मिले। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम इसमें कर देंगे वाटरिंग, और वाटरिंग जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी मात्रा में देनी है कि आपका जो पौधा है, मिट्टी गमले की, वो आधी से ज़्यादा भीग जाए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसमें कर दी है वाटरिंग, और अब इसे हमें छोड़ देना है। अब दोस्तों, जो दूसरे नंबर पे बारी आती है वो होती है लिक्विड कंपोस्ट की। तो हमें लिक्विड कंपोस्ट देना है, कैसे देने का तरीका है उसको भी देखेंगे। ये देखिए, ये बायो एंजाइम है फ्लावर्स का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो लिक्विड कंपोस्ट देने के लिए देखिए, जो आपकी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है मिट्टी को गीला होना। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अनुकूल है, इस प्रकार से मिट्टी गीली है पूरी तरह से, एकदम तुरंत का पानी दी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक दिन पहले पानी वाटरिंग की है पौधे में अच्छे से, तो उस पौधे में आप कंपोस्टिंग लिक्विड कंपोस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आप पहले मिट्टी को ऊपर से ढीली कर लीजिए, 1 से 1.5 इंच की सतह जो है उसको ढीला कर लीजिए इस प्रकार से, और किसी भी पौधे में देना हो, चाहे सब्जी का पौधा हो, फूल का पौधा हो, किसी भी पौधे में देने के लिए ये तरीका, जो दो लिक्विड कंपोस्ट और ड्राई कंपोस्ट देने का मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कारगर और उपयोगी है और बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार से देखिए, ये तैयार हो गया है, और अब हम लिक्विड कंपोस्ट जो हमारा है, ये बायो एंजाइम, हम इसे इस पौधे में देंगे। आप इसमें इसी प्रकार से चाहें तो सरसों की खली की कंपोस्ट, बनाना पील फर्टिलाइजर, जो भी आप देना चाहें लिक्विड कंपोस्ट, इस प्रकार से इसमें दे सकते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारा ये लिक्विड कंपोस्ट बनके रेडी है, इसको हम इस मिट्टी में जो हमने अभी ढीली की हुई है, इस मिट्टी में अच्छे से दे देंगे। और अब इसके बाद हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी गीली है, तो ये जो हमने लिक्विड कंपोस्ट दिया है ये नीचे तक आराम से ड्रेन हो जाएगा, और पौधे की सभी रूट्स, जो एरियल रूट्स हैं, उन तक पहुंच जाएगा, और जो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी कंपोस्ट हमने दिए, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो पौधे को बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिस प्रकार से आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। इसके अलावा आप किसी और तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर ये आसान है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।